नॉकेट फिनिश करना पड़ेगा, एक नॉक ऑलरेडी कर चुके विली बेबी टू गेट द क्लचर, देखने वाली चीज रहेगी। जल्दी यहां पर ऊपर से आ रहे हैं ये सॉरी देखिए स्मोकी वर्सेस टीम एंटिटी खिलाड़ी यहाँ पर हुई, बट दूरी है थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस फाइट है तो डैमेज तो आप दे देंगे, लेकिन शायद मेरे ख्याल से अगर आप बाई चांस नॉक भी कर देना तो फिनिश ऑफ तो बहुत मुश्किल रहेगा माय वी अभी के लिए। जी हाँ ये इतना आसान था नहीं, मिड रेंज के अंदर भले डैमेज बहुत अच्छा दिया था, बिल्कुल 2 HP पर वो डीपी का स्प्रे रह गया, नॉकआउट निकल सकता था, बट हीलअप कर लेंगे वहां पर। अब बारी आ जाती है हायर ग्राउंड वाले खिलाड़ियों की, जेट में इनका आएगा स्नाइपर का फटका, ज़ीगॉट यहां पर घुटनों पर, चैंपियन बहुत ज्यादा लोन HP है, जीरो किल भाई विद दैट डीपी 28 मिड रेंज में। वो देखिए टीम स्मोकी के प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर चुके हैं, कुछ रैंडम प्रीफायर्स यहां पर जा रहे हैं, देखते हैं ऑन पॉइंट जाते हैं नहीं, छोटे छोटे से जहर बर्स्ट है, बिल्कुल छोटे छोटे से, मेरे ख्याल से तो स्नैक्स से भी छोटे होने वाले कहीं ना कहीं, बट ऑन पॉइंट नहीं है अभी के लिए वो, कुछ रैंडम फायर्स हैं। ये देखिए यहां पर प्लेयर्स को स्पॉट किया है, यहां पर नॉकआउट निकालने का मौका रहेगा, बहुत बढ़िया बर्स्ट आ रहे हैं, नॉकआउट निकालने के लिए शायद एक अच्छा चांस रहेगा जीरो किल भाई के लिए। मतलब रिच की वजह से ना मेरे ख्याल से उनको ऐसा पेयर हो रहा है कि खिलाड़ी काफी विजिबल है, और ये चीज गाइस हम खुद जब क्लासिक वगैरह खुद आप खुद पर्सनल भी खेलते हैं तो आपको फील आता है कि यार आप तो इतना क्लियर दिख रहा है आपकी गोली रजिस्टर क्यों नहीं हो रही है, तो वही चीज है गाइस कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत ग्लिचेस की वजह से ना आपको प्लेयर इस तरह से दिख जाते हैं। लेकिन मैं देखना चाहूंगा टीम इनसेन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा उस तरफ भी, टीम नंबर 12 की तरफ, और यहाँ तो जिस डिप के अंदर वो फंसे हुए शायद मेरे ख्याल से उस चीज का बेनिफिट उनको मिल रहा है यहाँ पर। ऑफिस अगर आप टीम XTSM की तरफ जाओगे तो उनके ऊपर एक रश आने वाला है, नाम रहेगा इनसेन का, क्योंकि इन्होंने ना 2 से ज्यादा प्लेयर्स को मिड रेंज में नॉक कर दिया, तीनों किल भाई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, 4-4 प्लेयर्स को यहां पर नॉक एंड फिनिश करना पड़ेगा, एक नॉक ऑलरेडी कर चुके, विली बी एबल टू गेट द क्लचर, देखने वाली चीज रहेगी। जल्दी यहां पर ऊपर जा रहे हैं, एक्सचेंज करने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं हर बार, बट सामने से ग्रेनेड्स आ रहे हैं, 2v1 की फाइट रहेगी, क्या रिवाइवल मिल पाएगा? जी नहीं, ज़ीगॉट को हील करने का मौका है, दिस माइट बी द डिसाइडर ग्रेनेड है, ये हैक ग्रेनेड है और ये ग्रेनेड ऑन पॉइंट जाएगा, कहीं ना कहीं मैंने बता जरूर दिया कि एक कौन है, बट वो डिपेंड करता है इनकी गेम प्ले की तरफ। ये लीजिए क्लोवाजी को भी डाउन कर दिया, गोब्लिन को भी डाउन कर दिया, ये गॉड खिलाड़ी है जो बन रहा है आगे सबको फिनिश ऑफ करने के लिए, एक ही प्लेयर वहां पर बच जाएगा, विली बी एबल टू गेट द क्लचर, ये लीजिए 1v4 फॉर, मैं बोल नहीं सकता कौन, बट 0 kill भाई, मैं नहीं खेल रहा। गाइज देखिए गिवअवे का सवाल हम ऑलरेडी बता चुके थे आपको, टीम रेड ऑल गेमिंग जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके, तो जिनका सवाल जिनका जवाब जीरो रहा होगा गाइज देखिए अनफॉर्चुनेट रहा उनके लिए भी, क्योंकि हमें भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जीरो किल्स वो लेके जाएंगे, तो जिन्होंने सही जवाब दे रहे हो गाइस मेक श्योर क्रेजी उनके चैनल पे जाके, क्योंकि आगे और पीछे दोनों ही साइड से डैमेज मिलने वाला है, और ये लीजिए 10 मार्क्स एंड एनिग्मा यहां पर अपनी मैन एडवांटेज को अच्छे तरीके से यूज करेगी, किल सिक्योर कर देगी।